यूपी के हमीरपुर में लाखों रुपए की हुई चोरी, 70,000 नकदी सहित आभूषण ले फरार हुए चोर। बता दें कि मझगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत बरेल गांव निवासी प्रताप सिंह ने बताया कि बीती रात चोरों ने दीवार फांद चोरी की घटना को अंजाम दिया। मेरा सामान में गहने में 3 जोड़ी बाले, 2 जोड़ी छोटी, 1 जोड़ी मोटी, 1 जंजीर है, झुमकी है, 2 अंगूठी है। 70,000 रुपए में खुद पति के हार्वेस्टर की कमाई के रखे हुई थी, वो चले गए हैं। बच्ची के थे 2,250 रुपए टंकी में रखे थे, बैग में रखे थे, और सारा सामान चेकबुक है, और चेकबुक पासबुक है, कागज पूरे कोई कागज नहीं बचा, पूरा बैग में सामान ले गया उठा के। बैग में कागज हुए थे, तो 2 बैग थे, 1 प्लास्टिक का डिब्बा। आपको कब पता चल रहा है? मुझे सुबह उठी हूँ, मेरी मम्मी ने मम्मी जगा रही थी कि सुनीता 4:10 पर मैंने मोबाइल पे देखा, देख के मैंने वहीं पर लेट गई हूँ। मैंने कहा अभी तो रात है, अभी नहीं जाग रही। मम्मी उठी, मम्मी बोली सुनीता क्योंकि बार क्यों खोले पड़े हैं, और मम्मी बाहर गई देखने, तो सोची सुनीता उठ के काम करने लगी तो गई, तो फिर आई गई सुनीता नहीं, मम्मी नहीं दिखाई दी, मम्मी ने देखा तब बुआ है यहाँ आई, तो फिर बोली सुनीता की बाइक आए खोले पड़े, तब मैं उठी भागी देख मेरी मम्मी चोरी हो गई। बस चिल्लाने लगी, रोने लगी, मम्मी बोली रो ना, और भैया को फोन लगाओ, भैया मैंने अपने पति को फोन लगाया, पति बोले कि मैं तो यहाँ हूँ, मेरे चार्ज नहीं है, और फोन लगा दो पुलिस को। मैंने पुलिस को फोन